हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके लिए अंशों के हरण से संबंधित टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। चाहे जो स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देखेंगे, मैं दावा करता हूं बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मैं थ्योरी लिखूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि आपके पेपर में इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर आएगा, 1, 2, 4 नंबर का नहीं, कम से कम 10 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन। तो जो स्टूडेंट थ्योरी लिखें या न्यूमेरिकल लिखें, दोनों के लिए सबसे पहले समझना है अंशों के हरण से आशय। ध्यान दीजिएगा, अंशों के हरण से आशय। एग्जाम्पल थोड़ा समझ लीजिए, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग गाड़ी ले लेते हैं किस्त पर, ना? बहुत सारे लोग सजेशन देते हैं कि आप किस्त पे सामान ले लीजिए। किस्त पे सामान लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किस्त पर सामान तो ले लिया जाता है, लेकिन जब किस्त भरनी पड़ती है तो बहुत सारे लोगों को तमाम समस्याएं आ जाती हैं, किस्त का भुगतान नहीं कर पाते हैं। तो कंपनी मांगती है, कंपनी सूचना देती है, फिर बाद में कंपनी क्या कर लेती है, अगर नहीं तब भी नहीं दे पाते तो कंपनी अपने अंशों को छीन लेती है, जिसे क्या बोलते हैं, अंश, अपने गाड़ी को छीन लेती है। लोग कहते हैं गाड़ी खिंच गई, बेइज्जती होती है, बदनामी भी होती है। अब क्या करे आदमी, पैसा नहीं है तो कहाँ से जमा करेगा। तो ऐसी कंडीशन को खींचना कहते हैं, गाड़ी खिंच गई। तो आप समझिएगा अंशों के हरण का मतलब क्या होता है। जैसे 10 रुपये का अंश है तो आपको पता है 2 रुपया एप्लीकेशन पर, 2 रुपया अलॉटमेंट पर, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पर, 3 रुपया फाइनल कॉल पर, टोटल कितना हो गया, 10 रुपया। ठीक है, अब आप समझिए 2 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 3 रुपया, ये सब आवेदन दे करके, एप्लीकेशन दे करके लोग शेयर तो खरीद लेते हैं ना, अप्लाई कर देंगे शेयर मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है अलॉटमेंट का पैसा ना दे पाएँ, हो सकता है फर्स्ट कॉल का पैसा ना दे पाएँ, हो सकता है फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाएँ। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं अंशों का हरण। ध्यान दीजिएगा, इस ऐसी कंडीशन को अवशिष्ट याचना बोलते हैं। जब कंपनी नहीं दे, कंपनी को नहीं मिलता तो कंपनी नोटिस देती है, नोटिस देने के बाद भी अगर लोग नहीं देते हैं तो कंपनी अपने अंशों को क्या कर लेती है, छीन लेती है। याद रखना, जैसे पेपर के लिहाज से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर पेपर में कैसे लिखेंगे अंशों के हरण का मतलब, तो देखो हमको तो याद है सब, लेकिन कभी कभी किताब में देख लेते हैं ताकि कुछ नई चीज़ बता दें। ठीक है, कहा गया है अंशों के हरण को अपहरण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपहरण, अपहरण। अंशों के हरण को जब्तीकरण भी बोलते हैं, जब्त करना, जब्तीकरण करना। ठीक है, तो इसमें कहा गया है अंशों के अपहरण से आशय दोषी अंशधारी के आवंटन को रद्द करना। दोषी अंशधारी के आवंटन का मतलब, दोषी का मतलब जो नहीं दे पाएगा फर्स्ट कॉल, अलाटमेंट, फाइनल कॉल, जो लोग नहीं दे पाएंगे उनके आवेदन को रद्द किया जाता है, उनके अंशों के आवंटन को रद्द किया जाता है ना। तो इसके लिए सेबी का नियम है, मांग की आवंटन की तिथि से 12 महीने के अंदर सब पैसा मांगा जाना चाहिए। 12 महीने के अंदर अगर पैसा नहीं मिलता है तो कंपनी क्या कर देती है, अंशों के हरण की स्थिति अपनाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं अंशों का हरण किया जा सकता। कोई कंपनी आवेदन दे के अंश ले ले, अलाटमेंट मान लीजिए नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, उसको 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। अंशों के हरण से पहले क्या होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति अंश लिया है, अंश की याचना की राशि का भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो 14 दिन पहले क्या होगा, सूचना देनी पड़ेगी, भैया हो शेयर का पैसा पेमेंट कर दो, महोदय शेयर का पैसा वापस कर दो, आप दे दो, नहीं तो आपका अंश क्या कर लिया जाएगा, आपका अंश जब्त कर लिया जाएगा। फिर उसको जब्त करने के बाद कंपनी क्या करती है, कंपनी पब्लिक में फिर से इशू करती है। अब लिखाएंगे भी, रुक जाइएगा, हमारा मतलब है समझ लो बढ़िया से। अंशों के हरण के बाद अंशों का समर्पण, अंशों का समर्पण, अंशों के समर्पण से क्या आशय है। अंशों के समर्पण का मतलब होता है कि लोग, जैसे मान लीजिए हमने शेयर खरीदा ना, नहीं दे पाएंगे तो हम खुद समर्पित कर देंगे, भैया हमारे पास की बात नहीं है, और कोई अंतर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब छीना जाए, जब कंपनी के द्वारा छीना जाएगा तो हरण कहेंगे ना, फॉरफीचर बोलते हैं इंग्लिश में।
अब जब खुदे ले जा करके दे देंगे तो समर्पण कहेंगे, लेकिन चाहे समर्पण हो चाहे हरण हो जर्नल एंट्री में कोई अंतर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, हम पूरी चीज़ बता रहे हैं, थोड़ा पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, जिनको लगे धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, वीडियो की स्पीड को चेंज कर लें, जिसको और भी ज़्यादा एडवांस बनना है वो तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, आप कहीं और रास्ता देखें। ध्यान दीजिएगा मैं आपको क्या बोलता हूँ, पेपर में पूछेगा अंशों के हरण से आशय। अंशों के हरण का मतलब क्या होता है लिख लेना है, ऐसे अपने शब्दों में लिखिएगा, जब कोई अंशधारी, क्या, जब कोई अंशधारी अंशधारी का मतलब जो अंश लिया है, अंशों पर आवेदन दे करके जब कोई अंशधारी अंशों पर आवेदन देकर ना आवेदन दे देगा, आवंटन, प्रथम याचना, द्वितीय याचना या अंतिम याचना, भाई कोई भी हो सकता है, कभी कभी होता है आवेदन भी दे देता है, आवंटन भी दे देता है, प्रथम भी दे देता है, द्वितीय दे देता है, लेकिन अंतिम नहीं दे पाता, कभी कभी तो ऐसा भी होता है, में से किसी याचना का किसी भी या इनमें से एक, चाहे जो, चाहे सब ना दे पाए, चाहे कुछ दे कुछ ना दे, याचना का भुगतान नहीं कर पाता, याचना का भुगतान नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति को अंशों को ऐसी स्थिति में कंपनी नोटिस भेजती है, नोटिस भेजने पर भी यदि भुगतान नहीं प्राप्त होता तो कंपनी अंशों का हरण कर लेती है। समझिएगा हमारी बात को, जैसे हमारी कंपनी है, फिर समझो, बार बार समझो, हजार बार समझो, हमारी कंपनी ने शेयर इशू किया, बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन लेकर के ले लिया ना, लेकिन बाद में पता लगा अलॉटमेंट भी कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी अलॉटमेंट से लोग नहीं दे पाते, फर्स्ट कॉल मिल जाता है, कभी कभी फाइनल कॉल नहीं मिल पाता, मतलब कि इनमें से किसी भी सबका या किसी एक की राशि का भुगतान ना मिले तो कंपनी नोटिस देगी, मांगेगी, तब भी नहीं मिलेगा तो कंपनी क्या कर लेती, हरण कर लेती है, छीन लेती है, जब्त कर लेती है, पैसा भी जब्त हो जाता है और अंश भी जब्त हो जाता है। इसको अपनी कॉपी में लिख लो, उसके बाद जर्नल एंट्री की जाती है। थ्योरी लिखने वाले स्टूडेंट इतने लिखने से काम नहीं चलेगा, थ्योरी में आपको जर्नल एंट्री भी लिखनी पड़ेगी। एंट्री हम आपको अलग अलग श्रम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण, सब कुछ हम आपको बता रहे हैं, आप बने रहिए। आपको अब जर्नल एंट्री लिखना है, जर्नल लेखा लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, जर्नल एंट्री लिखना है। जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री लेखा प्रविष्टियां क्या होगी, आपको पता है लिखना है सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण, सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण, सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण। याद रखिएगा, सम मूल्य का मतलब होता है 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में इशू किया गया, 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में इशू किया गया। इसमें क्या किया जाता है, आपको मैं बता रहा हूँ एंट्री, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, जितने से मांगा जाने का मतलब होता है ना, 10 रुपये का शेयर कभी कभी पूरा 10 मांगा रहता है, कभी कभी 8 मांगा रहता है ना, जितने से मांगा गया हो, सवाल लगाओगे समझ में आएगा, और वैसे भी याद करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं जितने से मांगा गया हो, क्रेडिट करते हैं जो ना मिला हो, टू शेयर
अलॉटमेंट काउंट, टू शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर, सेकंड कॉल अकाउंट, टू शेयर। देखो भैया, ऐसा नहीं कि सब लिखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब नहीं लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल से को डेबिट करते हैं, जितने से मांगा गया इतना जो लिखा है इसमें से। अगर अलाटमेंट नहीं दे पाएगा तो अलाटमेंट लिख दिया जाएगा, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाएगा तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं दे पाए तो सेकंड कॉल, मतलब जो नहीं दे पाएगा, इसका मतलब जो ना मिला हो, जो ना मिला हो, ये मांगा गया, ये नहीं मिला, तो आगे क्या लिखा जाएगा, इसका मतलब टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितना ना इतने पैसे में से ये चीज़ घटा दिया जाएगा, जो आएगा उसे शेयर फॉर फ्यूचर में दर्शाया जाता है। याद रखना, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं जितने से मांगा गया हो, जो ना मिला हो उसको क्रेडिट करते हैं। इतने में से इसको घटा देना, फिर से समझ लेना, सम मूल्य पर निर्मित अंशों का हरण, जो मांगा जाएगा, जो नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा वही लिखा जाएगा, जो मिलेगा वो नहीं लिखा जाएगा। याद रखना, अलाटमेंट मिल गया तो अलाटमेंट नहीं लिखा जाना है, यहाँ पर फर्स्ट कॉल मिल गया तो फर्स्ट कॉल नहीं लिखा जाना है, जो नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको लिख लो। आपको ध्यान देना है, अब आपका होता है प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण। प्रीमियम किसे बोलते हैं, 100 रुपये का शेयर 110 रुपये में निर्गमित किया गया, 100 रुपये का शेयर कितने में निर्गमित किया गया, 110 रुपये में, इसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम। इसमें होता है प्रीमियम, समझिएगा, जब प्रीमियम मिला हो, एक एंट्री होती है, जब प्रीमियम ना मिला हो, दो एंट्रियां होती हैं, प्रीमियम मिला हो, प्रीमियम ना मिला हो, तो ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, वही एंट्री जो इसके पहले लिखा है, प्रीमियम मिला रहेगा तब वही एंट्री होगी जो इसके पहले थी, जितने में, जितने से मांगा गया हो, जो ना मिला हो, शेयर अनपेड कॉल में लिख रहा हूँ, अनपेड का मतलब अलॉटमेंट नहीं मिला होगा तो अलॉटमेंट लिखा जाएगा, फर्स्ट कॉल नहीं मिला होगा तो फर्स्ट कॉल लिखा जाएगा, फाइनल कॉल नहीं मिला होगा तो फाइनल कॉल लिखा जाएगा, जो नहीं मिला होगा उसको क्रेडिट टू में लिखेंगे। अब इसमें से जो पैसा होगा ये चीज़ घटा देंगे, जो बचेगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। आगे लिखना है, जब प्रीमियम ना मिला हो, ये प्रीमियम मिला हो, जब प्रीमियम ना मिला हो तो क्या करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर बोलते हैं इसको, शेयर फॉर फ्यूचर, FOR FEITURE, जब प्रीमियम ना मिला हो तो सब कुछ यही रहेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान दीजिएगा, लाल कलर से लिख दे रहे हैं, नया चीज जुड़ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अनपेड कॉल, टू शेयर फॉर फ्यूचर FOR FEITURE, फॉर फ्यूचर अकाउंट। सवाल पर ध्यान देना, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं जितने से मांगा गया हो, क्रेडिट क्या करेंगे, जो ना मिला हो, समझिएगा, प्रीमियम मिला होगा तो इस तरह एंट्री होगी जैसे इसके पहले भी मैंने किया, अब प्रीमियम मिला गया नहीं मिला होगा, प्रीमियम मिला होगा तो होगा, प्रीमियम नहीं मिला होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखा जाएगा, ठीक है। अगला लिखना, कटौती पर निर्गमित अंशों का हरण, कटौती पर निर्गमित अंशों का हरण, कटौती पर निर्गमित अंशों के हरण में क्या होगा, लिखेंगे शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, ध्यान दीजिएगा टू डिस्काउंट लिख देंगे, टू शेयर अनपेड कॉल, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, समझिएगा,
इसमें डिस्काउंट वैसे भी नहीं मिलता, अनपेड काल जो कॉल नहीं मिलेगा, इसको लिख लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अंशों का पुनः निर्गमन, समझिएगा। पुनः निर्गमन का मतलब हरण किए गए अंशों को निर्गमित करके गाड़ी ऐसे खींच जाती है कंपनी में, तो गाड़ी का होकर रखे रहते हैं अपने पास, कुछ चलाती है कंपनी उसको रिपेयरिंग करके बेच लेती है फिर से, ठीक है। आपको ध्यान देना है हरण के बाद क्या बोला मैंने, पुनः निर्गमन। पुनः मतलब कंपनी, जैसे गाड़ी कंपनी के पास बनती है ना, लोग खरीदते हैं, किस्त नहीं दे पाते तो क्या कंपनी गाड़ी खींचने के बाद अपने आप चलाएगी, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी लिखना है फिर से रिपेयरिंग करके उसको नीलामी करके बेच भी लेती है, लिखना है हरण किए गए अंशों को, हरण किए गए अंशों को यानी कि छीने गए अंशों को जनता में फिर से निर्गमित कर पूंजी प्राप्त करना ना, अंशों का हरण कहलाता है, समझिएगा। हरण किए गए अंशों को कंपनी फिर से मार्केट में बेच देगी, पूंजी प्राप्त कर लेगी। हरण करते समय एंट्री होती है सम मूल्य पर, हरण दस रुपये का शेयर फिर ₹10 में इश्यू हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम ₹10 का अंश ₹12 में, समझिएगा। ₹10 का अंश कितने में इशू किए, 12 में इशू करे तो कंपनी क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, याद रखना यास पीआर का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, छोटा छोटा लिख रहे हैं। और कटौती का मतलब डिस्काउंट पर जब कंपनी रीइशू करती है, जब डिस्काउंट पर कंपनी क्या करती है, रीइशू करती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट का मतलब 10 का अंश 9 में इशू करेगी 8 में इशू करेगी तो डिस्काउंट कहेंगे, समझिएगा। डिस्काउंट पे बैंक अकाउंट डेबिट, देखो डिस्काउंट पे अगर रीइशू होगा तो घाटा हो रहा है ना, तो लिखा जाता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, समझिएगा। सम मूल्य पर निर्गमन नहीं होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बात खत्म। प्रीमियम पर इशू होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कोई दिक्कत नहीं। कटौती पर अगर इशू होता है फिर से बेचते हैं तो देखो बैंक में इतना कभी कभी होता घाटा लग रहा है, कटौती पर दोबारा इशू करेंगे, जैसे कोई गाड़ी एक्सीडेंटल हो गई, कोई गाड़ी खींच गई तो कंपनी घाटा सह करके अपना बेचती है, घाटा कहाँ सह रहती है, कंपनी पैसा भी जमा कर लेती है, गाड़ियों खींच लेती है, यहाँ पर भी कंपनी शेयर भी जमा कर लेती है और पैसा जो जमा होता है उसको भी जब्त कर लेती है, तो समझिएगा। अब एक होता है हरण खाते में बची राशि का हस्तांतरण कहाँ करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में करते हैं। देखो हरण खाते का मतलब होता है घाटा होगा तब वहाँ से लिया जाएगा, मान लीजिए कोई कंपनी गाड़ी खींची उसको घाटे पर बेच रही है तो पैसा भी कंपनी जब्त की रहती है, जो पैसा कंपनी जब्त की रहती है उसी में से घाटा पूरा कर लेती है ना, घाटा यहीं पर पूरा होगा तो जो पैसा बचा रहेगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, लिख लो कॉपी में।